हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक एस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी 10 में आप वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर थीम स्टोर ओपन हो जाएगा, तो आपको वॉलपेपर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। आपको नेट से डाउनलोड करके यहाँ पर सेट करना है वॉलपेपर आपको जो भी अच्छे लगे। तो अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, वॉलपेपर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ से नेट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी वॉलपेपर सेट करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और लॉक स्क्रीन पर सेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। होम स्क्रीन के लिए यहाँ पर दोनों पर सेट करना है तो सेट बोथ पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपको दोस्तों गैलरी में से सेट करना है वॉलपेपर तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप गैलरी, फाइल मैनेजर वगैरह से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लाइव वॉलपेपर्स भी सेट कर सकते हैं और सुपर वॉलपेपर्स भी। तो आप चाहें तो दोस्तों आपको ये जो होम स्क्रीन में खाली स्पेस दिखाई देगी वहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स की ऑप्शन मिल जाएगी।